देखते रहिए UBN0@राजगढ़ जिले से रोहित ब्यूरो की बड़ी खबर आ रही है। बड़े गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 4 लाख रुपए कीमत का 28 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद, थाना पचोर राजगढ़ की बड़ी कार्रवाई। देख रहिए UBN0@, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये कल की घटना है, एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जो कोटा एक्सप्रेस ट्रेन है उस ट्रेन से एक व्यक्ति कुछ मादक पदार्थ है गांजा वगैरह लेके आ रहा है, तो जिस पर मेरे द्वारा उप निरीक्षक संदीप मीणा को टीम तैयार करके भेजा गया था, तो उस टीम के तैयार करने के जाने पर वहाँ पर रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति दामोदर और दामू माली है, ये खिलचीपुर का रहने वाला है, तो इसको पकड़ा और जब इसकी तलाशी वगैरह ली तो इसके पास से 23 किलो गांजा बरामद हुआ। इस 23 किलो गांजे को बरामद करने के बाद इसके विरुद्ध NDP एक्ट की कार्रवाई की गई है, और इसमें पूछताछ में इसने बताया कि ये खिलचीपुर में ही एक इसका अन्य साथी है रामप्रकाश दांगी, उसके साथ मिलकर के ये लोग राजस्थान से इस प्रकार से गांजा घर लाते हैं और ला करके यहाँ पर उसको जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज भी ये इसी गांजे को लेकर के सहारनपुर गया हुआ था, लेकिन जो पार्टी को गांजा देना था वो पार्टी नहीं आई, तो ये फिर वापस अपने गांव जा रहा था, तो उस दौरान इसको पकड़ा गया है और पूछताछ के दौरान रामप्रसाद दांगी के यहाँ भी दबिश दी गई और रामप्रकाश दांगी के यहाँ से 5 किलो गांजा बरामद हुआ है, तो इस प्रकार टोटल 28 किलो गांजे के साथ में दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध NDPS की कार्रवाई की गई।